नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस स्टूडियो और मैं हूं आपके साथ राहुल जॉय। शतरंज की दुनिया का जाना पहचाना नाम रोहिणी खाडलकर आज की लड़कियों के लिए एक सशक्त प्रेरणा स्रोत है। उन्हें 13 साल की उम्र में वुमन इंटरनेशनल मास्टर होने का भी खिताब मिल चुका है। वर्ष 1976 में रोहिणी पहली भारतीय महिला चेस खिलाड़ी रही थी। उन्होंने बहुत कम उम्र में शतरंज खेलना शुरू कर दिया था। उस जमाने में इस खेल में महिलाओं का बिल्कुल भी दबदबा नहीं था। रोहिणी का जन्म 10 नवंबर सन 1963 को हुआ था। उनके पिता अखबार चलाते थे। उनका चेस खेलने का सफ़र आसान नहीं था। रोहिणी ने कभी बताया था कि जब वह पुरुषों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करती थी तो वह उसे हराने के लिए सब कुछ किया करते थे। वह सिगरेट पीकर उनके मुंह पर धुआं छोड़ते थे। इस तरह की हरकतें भी उन्हें खेलने से रोक नहीं पाई। उन्होंने 5 बार भारतीय महिला चैंपियनशिप और 2 बार एशियाई महिला चैंपियनशिप जीती। इसके अलावा उन्होंने 56 बार शतरंज में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेशों की यात्राएं की और 1980 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए मिस टुडे के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।